क्वेश्चन नंबर 11, इसको पढ़िए। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। आपको क्या दिया गया है कि किसी स्टूडेंट के हाउस से और उसके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो है आपका 1 किलोमीटर और 875 मीटर। एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज मीन्स आना और जाना। जब आप स्कूल जाओगे तो आप स्कूल से घर भी वापस आओगे, तो ये हो गया हमारा बोथ वेज, आना और जाना। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। 6 डेज अगर वो स्कूल जा रही है तो उसको 6 दिन में कितना डिस्टेंस कवर करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको निकालना है कि 1 डे में उसका आना और जाना, मतलब 1 डे के लिए जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया वो कितना है। तो डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, वो है हमारे पास 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, 1 डे मीन्स आना और जाना, तो उसके लिए इन दोनों को एक बार वो गई 1 किलोमीटर 875 मीटर, और फिर वो आई, वो भी 1 किलोमीटर उतना ही रास्ता आएगी जितना गई है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 3 किलोमीटर 750 मीटर। आप इसको साइड में प्लस कर देख सकते हैं। तो ये तो डिस्टेंस आ गया हमारा जो उसने 1 डे में कवर किया, और हमसे पूछा गया है कि 6 डे में कितना कवर करेगी। अब 1 का हमारे पास गिवन है, और मैंने आपको समझाया था कि जब वही सेम चीज़ आपसे ज़्यादा के लिए पूछी जाती है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन, यहाँ पर 1 डे था तो यहाँ पर हमारा 6 डेज, 6 डेज के लिए हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से करके देखिए, 3 किलोमीटर 750 मीटर को हमें मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 6 जा 30, 3 हमारा कैरी होगा, 6 7 जा 42 में आप 3 प्लस करेंगे तो 45, यहाँ पर हमारा 4 कैरी हो जाएगा, 6 3 जा हम करेंगे तो 6 3 जा 18, 18 में हम 4 प्लस करेंगे तो 22, इट मीन्स 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर, 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर करेगी इन 6 डेज। लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12, उसको पढ़ते हैं। ए वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। वेसल एक बर्तन है, जग की शेप का जो होता है, उसमें आपका जो कर्ड है, दही है, वो है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। इन हाउ मैनी ग्लासेज ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी। एक ग्लास की आपको कैपेसिटी गिवन है 25 मिलीलीटर, और आपसे पूछा क्या जा रहा है इन हाउ मैनी ग्लासेज ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैन इट बी फिल्ड। उस कर्ड में से आप कुल कितने ग्लासेज को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। जैसे आप कोई भी जूस की बोतल आते हैं और उस जूस को आप ग्लास में डालते हैं तो आपको देखते हैं आपको कि इसमें कितने ग्लास आप भर सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको चेक करनी है, नंबर ऑफ ग्लासेज निकालने हैं। तो आपको पता है कि जब भी हम कुछ नंबर ऑफ फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, डिवाइड। ये तो आपको क्लियर हो ही गया है, तो देखिए कैसे करेंगे। ए वेसल हैज कर्ड कितना है, वो हमारे पास है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो इसको आप चेंज करेंगे, मैंने बोला था क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यूनिट जो वो इक्वल होनी चाहिए,
तो इसको भी आप चेंज कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 4500 मिलीलीटर कर्ड। कैपेसिटी ऑफ ईच मींस एक, आपको एक गिलास की कैपेसिटी दी गई है वो है 25 मिलीलीटर। इट मींस एक गिलास में कितनी कर्ड आ सकती है 25 मिलीलीटर। तो आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, ग्लासेस कैन इट फिल्ड। तो नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कर्ड वो है 4500 मिलीलीटर और एक ग्लास की कैपेसिटी हमारे पास 25 मिलीलीटर। तो इसको डिवाइड कर देंगे, साइड में डिवाइड करके देखते हैं। देखिए यूनिट यहाँ पर सेम है, मिलीलीटर और मिलीलीटर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टू की टेबल हम फोर पे चेक करते हैं तो टू टू जा फोर, लेकिन जब आप 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 टू जा होता है 50 और हमारा नंबर है 45, तो हम किस पर जाएंगे 25, इट मीन्स वन जा पे। माइनस करेंगे 5 में से 5 माइनस किया 0, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, ऊपर से 0 कैरी करेंगे 200, 25 की टेबल में 200 आपका आता है 8 पे, 25 8 जा 200, माइनस करेंगे ऊपर से 0 कैरी करेंगे। अब जब कोई नंबर आप ऊपर से कैरी करते हैं और वो डिवाइड नहीं होता तो उसके लिए हम क्वेश्चेंट में एक 0 ऐड करते हैं, तो इट मीन्स जो नंबर ऑफ ग्लासेज हैं वो हमारे हो गए 180 ग्लासेज, क्योंकि हम नंबर ऑफ ग्लासेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 180 ग्लासेज। तो आज आपकी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 1.2, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है।